Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. We have already seen part 1 and part 2 of nicknames in our previous video. We are back with part 3rd of the series. So one by one we will discuss the important sorbicutes for different crops, places, person. So first is Which of the following is known as man-made cereal? So you need to remember, man-made cereal is titrical. यहाँ पे ही आपको याद रखना है कि titrical किसका cross है? Wheat and rye का. Next fruit is amla. Amla is also called as Indian gooseberry. यहाँ पे ही आपको amla के बारे में कुछ और बातें याद रखनी हैं. कि आमला का फैमिली जो है इट इज़ फैलेंथेसी एंड द रैंक ऑफ इंडिया इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ आंवला इज़ फर्स्ट ऑल्सो द साइंटिफिक नेम ऑफ आंवला इज एम्बेलिका ऑफिसनेलिस नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रूट दैट इज जामुन जामुन दिसे हम कॉमनली मालाबार प्लम जावा प्लम या ब्लैक प्लम भी कहते हैं The scientific name of jamun is syzygium cumini and it belongs to the family myrtaceae. Next fruit is fancy fruit or mandarin. The family of mandarin is rutaceae and the binomial name is citrus reticulata. Now moving on to the next crop that is uh, sapota सपोटा इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेपोडीला प्लम और चीकू दिस फ्रूट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका एंड इट इज़ अ ट्रॉप लाइक ट्रॉपिकल क्रॉप बहुत कम लोगों को ये पता होगा कैशियो के बारे में कि कैशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्ड माइन ऑफ वेस्ट लैंड कैशियो का साइंटिफिक नेम है एनाकारियम ऑसिडेंटेल It is native to South America and it belongs to the family Anacardiaceae. aapke exam mein आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा भले ही अभी आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत ho लग रहे kabhi लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है तो इट इज़ अ गुड टाइम टू रिवाइज ऑल द पॉइंट्स इन शॉर्ट इन ब्रीफ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्रॉप नेक्स्ट इज फालसा विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार एप्पल सम आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर अबाउट फाल्साइज द साइंटिफिक नेम ऑफ फालसाइज ग्रीविया एसियाटिका बहुत कम लोगों को इसका साइंटिफिक नेम पता होगा कि फ़ालसा का साइंटिफिक नेम जो है वो ग्रीविया एसियाटिका है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली मालवेसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट इज़ योर जैक फ्रूट Jackfruit is also called as monkey jack and uh, the scientific name of jackfruit is heterocarpus heterophyllus and you should also know the family of jackfruit that is uh, Moraceae. The family of jackfruit is Moraceae. I feel you people know what jackfruit is. Jackfruit this is so it is called as kathal in Hindi. And in English it is called as jackfruit. Next is blue mold and black mold. to aapko yaad rakhna hai ki blue mold is Neurospora and black mold is Aspergillus. Next is the largest flower that is Rafflesia. हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि largest flower क्या है, then it is Rafflesia. Do remember, largest flower is Rafflesia. नेक्स्ट इज डेट पाम डेट पाम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंचुरी प्लांट यू नीड टू रिमेंबर डेट प्लांट डेट पाम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेंचुरी प्लांट इसे हम हिंदी में खजूर कहते हैं तो और कुछ मुख्य बात आपको याद रखनी है कि साइंटिफिक नेम ऑफ डेट पाम इज फ्योनिक्स डेक्टाइलीफेरा एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली एरिगेसी एरिकेसी फैमिली इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पालन फैमिली सो इट इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज इन द फैमली एरिकेसी और भी एक बात आपको याद रखना है डेड पाम के बारे में कि डेट पाम इज अ डाइशियस प्लांट डायशियस मतलब कि इट हैज़ सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट अगर दोनों सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ ही होंगे दैन इट इज़ मोनोशियस एंड इफ इट बोध parts that is male and female plant they are different in the different plant then it is dioecious next fruit is strawberry जिसे हम man made fruit भी कहते हैं अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि why it is called as man made fruit इसे हम man made fruit इसीलिए कहते हैं क्योंकि it is formed as a result of generations of selective breeding from cross of two species दो स्पीशीज़ के क्रॉस करने के वजह से ब्रीडिंग प्रोसीजर से ये आपका फ्रूट का फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मैन मेड फ्रूट नेक्स्ट इज टैपिओका विच इज ऑल्सो नोन एज पुअर मैंस रूट क्रॉप इफ यू आर आस्ट विच इज़ नोन एज पुअर मैंस रूट क्रॉप देन इट इज़ टैपियोका नेक्स्ट सीरियल इज़ पुअर मैंस सीरियल विच इज़ रागी रागी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फिंगर मिलट यू नीड टू रिमेम्बर रागी फिंगर मिलट मड़ुआ ये सब एक का ही नाम है और रागी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एल्यूसिन कुराकाना एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी तो आपको मुख्यतः दो तीन बातें याद रखनी है रागी के बारे में कि रागी को हम फिंगर मिलेट कहते हैं इसका साइंटिफिक नेम कोराकना है, या हिंदी में हम इसे मड़ुआ मड़ुआ बोलते हैं मड़ुआ काटा या मड़ुआ बोलते हैं और इट बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इज पुअर्स मैन पुअर मैन सब्सटीट्यूट फॉर घी तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुअर मैंस सब्सटीट्यूट फॉर घी क्या है देन इट इज़ से सेम ऑयल नेक्स्ट इज़ टोमेटो विच इज ऑल्सो नोन एज पुअर मैंस ऑरेंज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो इज सोलेनम लाइकोपर्सिकम एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी टोमेटो इज़ अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट एंड Lycopene is a carotenoid that is present in the tomato. Next important vegetable which is also known as poor man's friend is potato. The scientific name of potato is Solanum tuberosum. Potato belongs to the family Solanaceae. Potato is a starchy root vegetable. इट इज़ नेटिव टू अमेरिका आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि विच फैमिली इज़ नोन एज नाइट शेड फैमिली देन इट इज़ सोलसी फैमिली और पोटैटो फैमिली तो इट इज़ पोटैटो इज ए स्टार्ची रूट वेजिटेबल दैट इज़ नेटिव टू अमेरिका एंड इट बिलोंग्स टू सोलानसी फैमिली अगर आपको नहीं कुछ याद है तो एटलीस्ट इतने पॉइंट्स तो याद होने ही चाहिए अगला बहुत कॉमन फ्रूट है गुआवा, जिसे हम पुअर मैंस एप्पल या एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी बोलते हैं कुछ अन्य बात जो आपको याद होना चाहिए गुआवा के बारे में वो यह है कि गुआवा जो है वो ट्रॉपिकल फ्रूट है इसका साइंटिफिक नेम जो है वो पैसीडियम ग्वाजवा है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली मैरिटेसी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला फ्रूट है बनाना जिसे हम ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड ट्रॉपिकल फ्रूट एडम्स फिग ट्री ऑफ पैराडाइज एंड एप्पल ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं आपको याद रखना है कि बनाना बिलोंग्स टू द जीनस मूसा एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली मुसेसी कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है कि बनाना ट्री के बारे में पूछा जाता है कि बनाना इज़ अ हर्ब श्रब या ट्री तो आपको याद रखना है बनाना प्लांट इज़ अ हर्ब इसी के साथ वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ टूडे सेशन आई होप यू लाइक द सेशन यू फाउंड द सेशन इन्फॉर्मेटिव ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो और बहुत कुछ आपको ना पता हो तो इफ़ यू वॉन्ट अस टू कंटिन्यू इफ़ यू वॉन्ट अस टू कम अप विद मोर सच कंटेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच वीडियोज़ थैंक यू एवरी वन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल